तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम आज एक ब्रेक बैरल देखेंगे जो कि है डाइना की और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एयरगन है ये डाइना 250 और ये ब्रेक बैरल है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डाइना हाई परफॉर्मेंस एयरगन द नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइना की बैजिंग भी मिल जाती है आपको देखने के लिए प्रॉपर। यहाँ डाइना की फ़ोटो भी बनी है और यहाँ डाइना भी मेंशन है। तो डब्बे को खोल के देखते हैं। .177 कैलिबर की एयरगन है फ्रेंड्स। इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे इंडिया में और ये लेस देन 20 जाउल है, जो कि लेस देन 20 जाउल जो एयरगन होती है उसके लिए किसी भी टाइप की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओहो, ये देखिए वुडन स्टॉक में क्या बेहतरीन एयरगन है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी। पहले इसकी कुछ ये मैनुअल देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी कुछ मैनुअल है, इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको साइड में रखते हैं, आपको एयरगन दिखाते हैं। और बॉक्स को भी कर देते हैं साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइंड बाय डाइना जर्मनी, मतलब कि मेड इन जर्मनी है ये। और ब्रेक बैरल है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाइना 250 इसका ब्रांडिंग और रखी है। नेम जो इसका है डाइना 250, वुडन स्टॉक में, प्योर वुड स्टॉक में है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुड है इसमें, जैसे सेम डाइना स्टॉर्म राइडर में जो वुड बट यूज़ किया है वैसे ही है, बट ये पिस्टल ग्रिप में है। ये जो इसकी ग्रिप है पिस्टल ग्रिप है। और इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सेफ्टी, हाँ सेफ्टी यहाँ पे दी गई है इसकी। ये इसकी सेफ्टी है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक सेफ्टी है। ये एस का मतलब सेफ है, एफ का मतलब फायर है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्रेक बैरल है। जो इसकी बैरल है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 17.5 इंच की इसकी बैरल है, जैसे कि ब्रेक बैरल है। ये इसकी कुछ ओपन साइड्स हैं जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत ओपन साइड्स हैं। ये ग्रीन जो साइट है रियर, और ये फाइबर ऑप्टिकल साइट्स हैं, रेड वाली आगे फाइबर ऑप्टिकल साइट है। और ये थोड़ा पॉलीमर फ्रेम में है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। और पीछे जो सी है ये मेटल की है और एडजस्टेबल है विंडोज़ और एलिवेशन के लिए। यहाँ पे इसकी सील दी गई है 0.177 कैलिबर का। यहाँ पे इसमें एक सिंगल शॉट, मतलब कि एक पैलेट डलता है इसमें। और ये लेस देन 17 जाउल्स है, जैसे कि मैं एक बार इसको कोक करके दिखा देता हूँ और आपको इसके एक बार ही साउंड भी सुना के दिखा देता हूँ। स्प्रिंगर है जो इसका, ये जो वर्किंग प्लांट है वो स्प्रिंगर है, मतलब कि इसमें एक स्प्रिंग रहता है। और ये हमने जैसे कोक कर लिया और सॉफ्ट कोकिंग थी, जैसे डाइना मतलब कि इतना अच्छा अपना जो नाम है डाइना फेमस है एयरगन्स में। और ये मैंने कॉक कर लिया, तो मैं अब इसमें एक पैलेट लोड करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि ये मैंने 0.177 कैलिबर 4.5 mm का एक पैलेट, मैंने छर्रा जिसे कहते हैं, एक नंबर छर्रा हमारे देसी भाषा में हिंदी में, तो वो मैंने इसमें लोड कर लिया है। कॉक मैंने पहले करी ली थी, तो आपको मैं ड्राई फायर ना करके मैं इसकी साउंड सुनाऊँगा। राइफल्ड बैरल है फ्रेंड्स ये, और काफ़ी लाइट वेटेड है। ओवरऑल जो सी इसकी लेंथ है वो अपना 42 इंचज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक 42.5 इंच। और ये आप इसका जो कि वेंटिलेटेड बट पैड यहाँ पे दिया गया है और पिस्टल ग्रिप में है फ्रेंड्स ये। और ये इसकी सेफ्टी है, शायद आप यहाँ देख पा रहे हो कैमरे में। तो ये देखिए, अब ये फायर पे है और ये सेफ पे। अगर जो हम इसको अंदर, अब ये सेफ पे है, एस का मतलब सेफ़, तो अभी ये कोक की है और ये सेफ पे है, तो जैसे ही हम इसको पुश कर देंगे आगे तो ये एफ़ का मतलब फायर, फायर के लिए रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ और फायर करके दिखा देता हूँ। एक हम हवा में फायर करेंगे, तो ये मैंने सेफ्टी हटा ली है, ऑटोमेटिक सेफ्टी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये अब फायर पर रेडी है। इसको अंदर को पुश कर दिया तो फायर के लिए रेडी है, और इसको आप बाहर को कर लेंगे तो ये सेफ पे है और ये फायर नहीं होगी। और अब आप इसको अंदर को पुश करेंगे तो ये फायर के लिए रेडी है। तो मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। वाह, तो ये थी इसकी कुछ साउंड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है।
डाइना 250 वुड स्टॉक के साथ, प्रॉपर बीच वुड में बनी गई है और मतलब कि लाइट वेटेड है। इसका जो सा वेट भी है वो काफ़ी कम है, मतलब कि 3 kg के से भी कम इसका वेट है। जैसे कि डाइना की जो एयर गन्स होती हैं वो वेट वाइज भी काफ़ी लाइट होती हैं और बहुत ही अच्छी वुड का इसमें यूज़ किया हुआ है। ये पूरा ग्रेव्ड है चेक, और यहाँ भी आप देख सकते हैं चेक इनग्रेव्ड है, मतलब कि वुड बहुत ही स्मूथ है इसकी जो सी है। प्रॉपर बीच वुड में डाइना 250 ये एयर गन है, जो इसकी FPS अगर जो आप पूछें तो कई दोस्त जैसे कि पूछते हैं वीडियो में कि आपने इसकी FPS नहीं बताई, तो इसकी FPS जो है वो 935 FPS है और जो जाउल है वो 17 जाउल है, मतलब कि 20 जाउल से नीचे इंडिया में जो उनकी एयर गन होती है 0.177 कैलिबर के लिए, उसके लिए हमारे इंडिया में कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है जिसके बेस पे आप इसे ले सकते हैं, टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए और अपना मतलब कि फन एंड प्लिंकिंग के लिए। यहाँ पे 11mm का यहाँ पे रेल माउंट दिया गया है और ओपन साइट्स भी हैं इसमें, तो यहाँ पे आप कोई भी स्कोप वगैरह भी अपना लगा सकते हैं या पीक साइट कोई भी है तो वो भी आप यहाँ पे लगाने के प्रोविज़न डाइना ने यहाँ प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छी एयरगन लगी। तो अगर जो आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो डाइना 250 का, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।